नमस्कार, मैं रिजवाना, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानी स्वामी ने बुधवार 28 अक्टूबर को युवा वकीलों की सहायता के लिए लॉयर्स स्टाइपेंड स्कीम लॉन्च की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 9 युवा वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 प्रति माह दर स्टाइपेंड प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ओपी पन्नीरसेल्वम, कानून मंत्री सीवी षणमुगम, मुख्य सचिव के षणमुगम और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। योजना का उद्देश्य युवा कानून स्नातकों को प्रति माह 3,000 रुपए सहायता के रूप में प्रदान करना है। योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर युवा वकीलों को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार 27 अक्टूबर को सार्वजनिक डोमेन में अपनी पत्नी की नग्न तस्वीरों को पोस्ट करने और अपलोड करने के आरोपी पति को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने इसे न केवल गंभीर बल्कि एक जघन्य अपराध करार देते हुए कहा है कि सार्वजनिक डोमेन में अपने जीवन साथी, विशेष तौर पर पत्नी की नग्न तस्वीरों को पोस्ट करना और अपलोड करना उस आपसी विश्वास और भरोसे को तोड़ने के समान है जो वैवाहिक संबंधों को प्रभावित करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कानपुर नगर के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसके तहत एक जुवेनाइल की तरफ से दायर आपराधिक अपील संख्या 30/2019 को खारिज कर दिया गया था। इस नाबालिग पर एक 6 साल की बच्ची से बलात्कार करने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश कानपुर नगर ने किशोर न्याय बोर्ड के 16 फरवरी 2019 के एक आदेश की पुष्टि की थी। जेजे बोर्ड ने जुवेनाइल को केस अपराध संख्या 530/2018 में जमानत देने से इनकार कर दिया था। ये केस आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3-4 के तहत पुलिस स्टेशन पनकी, जिला कानपुर नगर में दर्ज किया गया था। पटना हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खाली पदों पर भर्ती के मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का राज्य सरकार को हाल ही में निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ को अवगत कराया गया कि फिलहाल 30,000 से अधिक पद रिक्त हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपने 5 फरवरी 2020 के आदेश के मद्देनजर 4 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट बिहार में सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल के खाली पदों पर भर्ती से संबंधित मामलों में निरंतर निगरानी करता आ रहा है। पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार 20 अक्टूबर और सोमवार 19 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर सूचित किया है कि इसमें 4 न्यायिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया है क्योंकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित नाम इस प्रकार हैं: राम सुजान पांडे उप न्यायाधीश सह सचिव, त्रिभुवन नाथ एडीजे, संजीव कुमार चंद्रयाबी प्रधान मजिस्ट्रेट, सविता रानी प्रधान मजिस्ट्रेट। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आगाह किया है कि भले ही एक शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर एफआईआर अनिवार्य है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने पर अभियुक्त की गिरफ्तारी खुद बखुद नहीं होती है। जस्टिस राम मोहन सिंह की एकल पीठ ने कहा, गिरफ्तारी अपराध के आरोप मात्र पर या सामान्य विषय के रूप में नहीं की जा सकती। एक पुलिस अधिकारी के लिए विवेकपूर्ण होगा कि किसी शिकायत के बाद वो शिकायत की वास्तविकता और सत्यता और अभियुक्त की संलिप्तता के संदर्भ में उचित विश्वास के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी न करे। व्यक्ति की गिरफ्तारी और एफआईआर का पंजीकरण प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है क्योंकि दोनों की अवधारणाएं हैं और विभिन्न मापदंडों के तहत संचालित होती हैं।